सॉरी अमित, लेट हो गई। अमित, घर पे इतना सारा काम रहता है ना, जाकर भी लेट हो जाती हूँ। अब भी? नहीं, अब तो नहीं, अब उन सब चीजों से मैं काफी दूर आ चुकी हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया ऐश्वर्या? इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार गई? मुझ पे थोड़ा तो भरोसा किया होता। अरे अमित, हम ये सब बातें लेकर क्यों बैठ गए? जो होना था हो गया, अब तो हम एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा ही तो हम दोनों चाहते थे ना। एक दूसरे का साथ तो हर प्यार करने वाला चाहता है, पर जिस तरह हम मिले वैसा साथ मुझे नहीं लगता कोई और चाहता होगा। अमित बस भी करो, हम कुछ अच्छी बातें भी कर सकते हैं। जैसे याद करो, हम पहली बार इसी जगह पे मिले थे और तुम यहाँ तन्हाई में बैठ के कविताएं लिख रहे थे, फिर मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी। एक्सक्यूज मी, सुनिए। यस। मंदिर जाने का रास्ता किस तरफ है? वो यहाँ से सीधा और फिर लेफ्ट। थैंक यू। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? अरे रुक यार एक सेकेंड। अरे वो आप, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मेरा मतलब है मैं आपको नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो मंदिर आया था। अच्छा मैं चलता हूँ जी, बाय 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 बाय। तुमने मुझे काफी डरा दिया था उस दिन। मगर उसके बाद हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे लम्हों को जिया, तुम्हें याद है ऐश्वर्या? जिया तो था, पर उन लम्हों को शायद हम पसंद नहीं थे। तुमने ऐसा क्यों किया अमित? चलो माना कि मैंने नादानी की, ज्यादा सोची नहीं और ऐसे कर बैठी, पर तुम तो समझदार थे, हर एक छोटी छोटी बात को गहराई से समझते थे, मुझे भी समझाते थे। और तुमने भी मेरे लिए भी ये सब इतना आसान नहीं था ऐश्वर्या। मैंने भी इसको संभालने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हें खो देने का गम इतना गहरा होने लगा था कि मैं सब कुछ भूलने लगा था। मगर हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की ऐश्वर्या, बहुत बड़ी गलती की। मैं फिर से जीना चाहता हूँ ऐश्वर्या। अरे मैंने अपने माँ पिताजी को लाचार छोड़ दिया। अरे मेरे सिवा उनका इस दुनिया में और कोई है भी तो नहीं। मैं फिर से जीना चाहता हूँ ऐश्वर्या, मैं फिर से जीना चाहता हूँ, सिर्फ उनके लिए, मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ ऐश्वर्या, मैं फिर से जीना चाहता हूँ, मैं फिर से जीना चाहता हूँ। देख रही हो, ये इंसान भी मेरी तरह कविताएं लिखता है, और हाँ वो भी इसी जगह पे। लिखता तो है, पर ये कभी वो नादानी ना करे जो हमने किया। ये जिंदगी एक ही बार मिलती है।
एक्सक्यूज मी। फिर से करो। तुमने मुझे काफी डरा दिया था। उसके बाद तुम टिल्ट होके क्यों बैठी हुई हो? मतलब लग रहा है कि तुम इसे झुक रही हो। इधर आओ आराम से, सिट स्ट्रेट। हाँ, झुक कर नहीं, ठीक है?